वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू यूनिट दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रिलेशंस। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रिलेशन। इंपॉर्टेंट यूनिट है, दो तीन टॉपिक्स पर बेस्ड है ये। ड्यूअल नेचर ऑफ रिलेशंस में हम ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास रिलेशंस के दो नेचर होते हैं, वन इज पार्टिकल नेचर, अनदर इज वेव नेचर। ड्यूअल मींस टू, रिलेशंस के दो नेचर। तो यहां पर हम उन्हीं फिनोमेना की हम स्टडी करेंगे जिन फिनोमेना से हमें ये शो होता है कि हमारे पास रेडिएशंस के क्या हैं, दो नेचर हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, आपको पता ही है, रेडिएशंस का वेव नेचर, कौन से फिनोमेना हमारे पास रेडिएशंस के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है, ये हमारे पास रेडिएशंस के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा, समझे आप। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ फिनोमेनाज हैं, कुछ हमारे पास फिनोमेना है जो रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास इसी यूनिट में हम पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी तरीके से हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है, जो पार्टिकल्स के, जो हमारे पास रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब कुछ फिनोमेना हमारे पास रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ फिनोमेना हमारे पास रेडिएशंस के वेव नेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं रेडिएशंस के हमारे पास क्या है, दो नेचर हैं। तो देखिए, हमारे पास रेडिएशंस के, हमारे पास वेव नेचर्स तो हमारे पास रेडिएशंस का है ही है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो हमने फिनोमेना हमने पीछे पढ़े, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो हमारे पास रेडिएशंस के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास यहां पर हमारे पास रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो हम इस यूनिट्स में पढ़ेंगे, तो यहां पर हमारे पास वो पार्टिकल कौन सा है जो पार्टिकल रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो पार्टिकल, सबसे पहले हम उस पार्टिकल्स की स्टडी करेंगे, सबसे पहले हम उस पार्टिकल्स के बारे में समझेंगे हम वो पार्टिकल क्या है। तो देखिए, हमारे पास रेडिएशन जो हमारे पास जो है, जो हमारे पास जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिस तरीके से आपके पास लाइट वेव है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड रेज है हमारे पास, है अल्ट्रा वायलेट है, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड दीज ऑल रेडिएशन आर कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। ये जो हमारे पास रेडिएशन जो होती हैं, ये कंसिस्ट होती हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी होती हैं। दीज पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा और फोटॉन। तो वो जो हमारे पास रेडिएशन जो है, ये छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है, क्वांटा या फोटॉन कहा जाता है। इसका मतलब रेडिएशंस भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको क्या कहेंगे अब हम, दैट इज फोटॉन से बना हुआ है या कोटा क्वांटा से बना हुआ है। तो देखिए, हमारे पास जो रेडिएशन जो हम कहेंगे, इसका मतलब रेडिएशन जो है वो छोटे छोटे पैकेट से बना हुआ है, क्लियर आपको, जिसको हम क्या कहेंगे, क्वांटा या फोटॉन कहेंगे हम। तो उसी फोटॉन की सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हम, जो फोटॉन रिप्रेजेंट करेगा कि रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर है, क्लियर आपको। यही फोटॉन हम आगे पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में, जब हमारे पास लाइट एक मेटालिक सरफेस पर फॉल करती है, तो लाइट का फोटॉन, इसका मतलब मेटालिक सरफेस पर फॉल करता है, फिर हमारे पास उस मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर तो हम सबसे पहले, आज का जो आपका टॉपिक है, सिर्फ फोटॉन की स्टडी करेंगे, ये फोटॉन क्या है, तो वो मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है। देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, जो मैंने आपको कहा, माइक्रोवेव, कैरी एनर्जी इन पैकेट्स आर बंडल्स। मैंने पहले आपको कहा कि हमारे पास ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ये कैरी करती है एनर्जी को किस फॉर्म में, पैकेट्स में, या हम कहेंगे बंडल्स में, जिसको क्या कहा जाता है, फोटॉन या क्वांटा कहा जाता है, क्लियर आपको। तो अब हम इसी की स्टडी करेंगे, इस फोटॉन की ही स्टडी करेंगे हम, जो मैंने यहां पर, देखिए हमारे पास उसके कुछ मेन फीचर्स हैं, उन मेन फीचर्स की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर लिखा है मैंने, फोटॉन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। फोटॉन जो है वो ट्रेवल करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता ही है, लाइट जो हमारे पास है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम कहेंगे, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है। तो आपको पता ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे पास जो है, वो कंसिस्ट है फोटॉन से। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करती है, तो इसका मतलब फोटॉन भी एक स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करेगा। तो इसीलिए पहली प्रॉपर्टी हम कहेंगे, जो हमारे पास पहला फीचर जो हमारे पास जो है, किसका, फोटॉन का, फोटॉन ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय ई इक्वल टू एच म्यू। जो हमारे पास फोटॉन होता है, जो हमारे पास रेडिएशन कंसिस्ट है पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, छोटे छोटे पैकेट्स है जिनको फोटॉन कहा जाता है, उस फोटॉन की एनर्जी किसको होती है, ई इक्वल टू एच म्यू। H is Planck's constant and mu is frequency.
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम कहेंगे हम। तो ये हमारे पास एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और इस एच की वैल्यू तो आपको पता ही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड हमारे पास इसका इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद ये दूसरा हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास फोटॉन की है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास फोटॉन, ऑल फोटॉन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो ये भी आपको पता ही है, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमारे पास होती है वो अगर एक फ्री स्पेस में मूव करती है, फ्री स्पेस में एयर या वैक्यूम आता है, समझे आप, या हमारे पास लाइट एयर में मूव करेगी या वैक्यूम में मूव करेगी, वैक्यूम का मतलब हुआ जहां पर हवा भी नहीं होगी, जहां पर एयर भी नहीं होगी, तो वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होगी वो किसके इक्वल होती है, वो तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। और लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की हमारे पास स्पीड कितनी होती है, हमारे पास लाइट की स्पीड को हम सी से डिनोट करते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर भी हमारे पास फोटॉन की जो स्पीड होगी वो इतनी ही होगी जितनी हमारे पास लाइट की स्पीड होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही लिखा मैंने, ऑल फोटॉन्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। इसके बाद फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटॉन जो हमारे पास होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि आपने मैंने आपको ऑलरेडी जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हमने जब हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखा था हमने, तो वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती है, ना हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, ना ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे हमारे पास जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करोगे, आप इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराओगे, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको मूव कराया, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, ये ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ना नेगेटिव प्लेट की तरफ इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगी, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन क्यों करता, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता, अगर इस पर अगर हमारे पास इस पर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता, अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता हमारे पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, ना ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी ना हमारे पास ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगी, इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब फोटॉन पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसके बाद एनर्जी ऑफ फोटॉन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम फोटॉन की एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको पता ही है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा हमारे पास वो 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल के इक्वल होगा। इसके बाद फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, जो अभी मैंने यहां पर डिस्कस किया, फोटॉन पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। आपको पता ही है फोटॉन क्या है, ये हमारे पास पार्टिकल है किसका, रेडिएशन का। तो जब हमारे पास किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको मूव कराते हैं तो इस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है, ना ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा ना नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो वही मैंने कहा कि हमारे पास फोटॉन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर इस पर कोई चार्ज होता तो हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता। इसके बाद मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज गिवन बाय mc = h/λ, एज इज प्लैंक्स कांस्टेंट और लैम्डा हुआ वेवलेंथ। तो आपको पता ही है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू h/λ। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो मोमेंटम, जो हमारे पास या हमारे पास कोई बॉडी जो हमारे पास जब वो मूव करती है तो उसका मोमेंटम किसको होता है, मास इनटू वेलोसिटी इक्वल होता है, तो दैट इज इक्वल टू h/λ के इक्वल होगा। इसका मतलब मोमेंटम जो होगा वो h/λ के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, फोटॉन है, यहाँ पर आपके पास क्या है, फोटॉन है। तो v होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी और c होता है वेलोसिटी ऑफ, हम कहेंगे c रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। तो मैं mv की जगह पर हम क्या लिखेंगे, mc। तो mc जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, समझे आप। देखिए c और v दोनों वेलोसिटी है हमारे पास, c वेलोसिटी है और v वेलोसिटी है, v रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी और c रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ फोटॉन। तो ये आपके पास mc
ये आपको मोमेंटम नजर आ रहा है, मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, और मोमेंटम किसको होगा, वो एच अपॉन लैम्डा क्यूब होगा। तो ये आपके पास क्या गया, मोमेंटम ऑफ फोटॉन। इसके बाद मास ऑफ फोटॉन, मास ऑफ फोटॉन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो फोटॉन के मास को कैलकुलेट करोगे तो इसी एक्सप्रेशन को यूज करोगे आप, एम यहीं पर रहेगा तो सी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एच अपॉन सी लैम्डा आपके पास बन जाएगा। तो हमारे पास जो हमारे पास मास जो होगा फोटॉन का, वो एच अपॉन सी लैम्डा के इक्वल होगा, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट और लैम्डा हो गया हमारे पास वेवलेंथ। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसकी, जो हमारे पास किसकी है, फोटॉन की, फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है हमारे पास जो रेस्ट मास हमारे पास किसका, फोटॉन का, जो होता है एम नॉट रिप्रेजेंट करता है रेस्ट मास ऑफ फोटॉन को, दैट इज इक्वल टू एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ये हमें आइंस्टाइन ने कहा है, आइंस्टाइन ने कहा है हमें कि जब हमारे पास एक बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जब होती है, जब हमारे पास उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जब उसकी वेलोसिटी नियर अबाउट टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है, तो उस बॉडी का मास भी बढ़ता है। क्लियर आपको? तो अगर हमारे पास उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, तो उसका मास भी बढ़ता है। तो ये एक्सप्रेशन हमें किसने दिया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने दिया है। और यहां से हम बोलते हैं कि हमारे पास जो रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, फोटॉन का रेस्ट मास जो होगा वो कितना होगा, अगर हमारे पास फोटॉन आपको एग्जिस्ट करेगा, अगर हमारे पास फोटॉन रेस्ट में एग्जिस्ट करेगा तो वहां पर उसका मास कितना होगा। तो देखिए ये एम जो हमारे पास होता है मास ऑफ रेस्ट मास ऑफ फोटॉन होता है, और इसी तरीके से हम कहेंगे एम हमारे पास किसी भी बॉडी का रेस्ट मास क्या हमारे पास होता है, एम होता है, और ये एम जो होता है हमारे पास किसी बॉडी का, जब हमारे पास कोई बॉडी मूव करती है, तो 1 माइनस वी होता है उस बॉडी की वेलोसिटी और सी होता है वेलोसिटी। ये फोटॉन की जो वेलोसिटी जो होती है वो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है, समझा? जो हमारे पास फोटॉन की वेलोसिटी जो होती है वो इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो जब यहां पर आपके पास जो आ रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन यहां पर आपके पास पार्टिकल क्या है, फोटॉन है, फोटॉन की वेलोसिटी किस इक्वल है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इक्वल है, तो हम वी की जगह पर भी हम सी लिख सकते हैं, तो सी का स्क्वायर डिवाइड बाय सी का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, एम नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ये सी स्क्वायर गेट कैंसिल्ड, यू गेट 1, तो 1 माइनस 1 आपके पास क्या आ रहा है, एम नॉट इज इक्वल टू एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 था 0, 0 को एम के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो आपके पास 0 आएगा। तो आपके पास रेस्ट मास जो हमारे पास फोटॉन का जो आपको नजर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है रेस्ट मास ऑफ फोटॉन जो है, अगर हमारे पास, क्योंकि आपको पता ही होगा फोटॉन आपको रेस्ट में आप उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए ये हमारे पास रेस्ट मास ऑफ फोटॉन दैट इज इक्वल टू 0 इट नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास क्या है, कुछ पॉस्टुलेट्स हमारे पास हैं, कुछ फीचर्स हमारे पास हैं किसके, फोटॉन्स के, जो फोटॉन रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, कि हमारे पास जो रेडिएशन जो है वो कंसिस्ट है छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको क्या कहा जाता है, फोटॉन कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ फोटॉन का कंसेप्ट दिया, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसी फोटॉन का कंसेप्ट हमारे पास वहां पर आएगा, तब तक के लिए।